दोस्तों मैं भी टॉस बोली यूट्यूब पे एक टेनिस पोस्ट मैच एनालिसिस वीडियो वो लेके आऊँ। जो इस बार वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ भाई, पहले दिन मैच हुआ था वो हुआ था जेनी सिनर वर्सेस स्टेफनोस सिसिपास। देखा जाए सिसिपास ही बड़े ज्यादा 5 मैच जीते हैं और दूसरे सिनर सिर्फ 2 ही मैच जीते हैं, बट इस मैच में जो फेवरेट थे वो जेनी सिनर थे। क्यों थे? क्योंकि हाल ही रिसेंटली परफॉर्मेंस में देखा जाए सिनर का दबदबा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और जैसा दबदबा बढ़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि भाई सिनर धीरे धीरे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सिसिपास से करीब आ सकते हैं। इस साल इनकी ये देखा जाए थर्ड पीरियड था, पहली पीरियड में ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिसिपास ने बाजी मारी थी, उसके बाद रॉटरडैम में सिनर ने बाजी मारी थी, और एटीपी फाइनल्स में एक बार फिर से सिनर ने बाजी मार लिया। हेड टू हेड 3 तक ले लिया, अब 2 मैच विक्ट्री और हासिल करेंगे तो सिसिपास से बराबर आ जाएंगे। फिलहाल दोनों दोस्तों दोनों बीच में शानदार मैच देखने को मिला, बट शानदार मैच सिनर द्वारा ज्यादा खेला गया। क्यों? क्योंकि विद इन 2 स्ट्रेट सेट्स में फिनिश हुआ है। दोस्तों पोस्ट मैच एनालिसिस में बनने से पहले ये बता दूं, जो अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अगर नोटिफिकेशन बेल को पुराने भी हैं तो उन्होंने नहीं क्लिक किया तो कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिल सके। पोस्ट मैच प्रीमियर सारे ब्लॉग्स की रेडी। फिलहाल दोस्तों अगर मैं पहले सेट की बात की जाए तो पहले सेट में शानदार प्रदर्शन रहा किसका? जेनिट सिनर का। 1-1 सर्विस गेम सिसिपास ने भी इधर तक सही रहा, 2-2 तक भी सही रहा, उसके बाद सिसिपास की सर्विस गेम ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, उसके बाद फिर से सर्विस गेम पे होल्ड रखा, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा। सिसिपास को चाहिए था सर्विस गेम ब्रेक जो कि नहीं हो पाई और 6-4 से पहला सेट जीता। सेकंड सेट की शुरुआत की जाए तो शुरुआत ही काफी भयंकर हुई जेनिट सिनर की, क्योंकि उनकी सिसिपास की सर्विस गेम ब्रेक की और 2-0 से लीड कर लिया। अब सिसिपास को चाहिए था इस बार भी सर्विस गेम ब्रेक बैक करना, जैसे पहला सेट था नहीं कर पाया और पहले सेट की तरह ही स्कोर 6-4 से ये वाला भी जीते। बढ़िया प्रदर्शन करते हैं सिनर चाहेंगे कि बढ़िया प्रदर्शन करते हैं पहले सेमीफाइनल और फिर धीरे फाइनल और फिर विक्ट्री हासिल की जाए। फिलहाल दोस्तों देखा जाए इनके स्टैट्स के बारे में, 9 एसेज लिए दूसरों सिसिपास ने, 6 एसेज लिए, 2 डबल फॉल्ट किए जेनिट सिनर ने, सिसिपास ने 0 डबल फॉल्ट किया। ब्रेक पॉइंट्स में बढ़िया प्रदर्शन किया कोई आने दिया। दूसरी ओर देखा जाए सिसिपास 2 बार ब्रेक पॉइंट्स उनके कन्वर्ट हुए, पहले सेट में कन्वर्ट हुआ, 1 सेकंड सेट में कन्वर्ट हुआ, जो मेन वजह थी उनके मैच हारने की। अब वो चाहेंगे कि बढ़िया प्रदर्शन करें, उनका नेक्स्ट मैच आज या होल्डर रूम के साथ क्या लगता है दोस्तों कैसा प्रदर्शन करेंगे इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना दोस्तों, कमेंट करना और ढेर सारा प्यार देते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।